नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में आज की बड़ी अपडेट है, एमजीजीएस शिक्षक भर्ती 2024 जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, किन किन कैटेगरी के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हर प्रकार की अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में बड़ी अपडेट, एमजीजीएस शिक्षक भर्ती 2024-25। आप देख सकते हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, विज्ञप्ति महात्मा गांधी प्रकोष्ठ वॉक इन इंटरव्यू 24-25। राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा के विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधान के अनुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों अथवा कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वो आज की बड़ी अपडेट है इस समय की। आप देख सकते हैं इसमें प्राचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषय सेकंड ग्रेड, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक पुस्तकालय 10 ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक अध्यापक लेवल सेकंड लेवल फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा अध्यापक कंप्यूटर शिक्षक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और पुस्तकालय 10 ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक, इन सभी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक अथवा कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक अथवा कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को तथा शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम अथवा लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम इनकी होगी, उसके बाद में लगाया जाएगा। आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र यहाँ पर 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के मध्य भरवाए जाएंगे, यानी 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भर सकेंगे। संबंधित पद और विषय के आवेदन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु आपको जिले में रह जाने का विकल्प रखा गया है। आप देख सकते हैं प्राचार्य हेतु या प्राध्यापक विभिन्न विषय समस्त 50 जिले यहाँ पर न्यूनतम 1 जिला अधिकतम 50 जिले आप भर पाएंगे, और वरिष्ठ अध्यापक इन सभी के लिए केवल एक मंडल का एक समस्त जिला यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम संबंधित मंडल के समस्त जिले। और अध्यापक लेवल सेकंड, अध्यापक लेवल फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, इन सभी के लिए अधिकतम 5 जिले। और ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो उनको लेकर के भी यहाँ पर अपडेट है। आगे ले चलते हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक अथवा कार्मिक उत्तर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे, और आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक अथवा कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत है और पात्र होंगे। अन्य विभाग अथवा परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक अथवा कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। 7वां पॉइंट है, शिक्षक अथवा कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जाए। 8वां है, राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों अथवा कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र अथवा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों अथवा कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जाएगा। 9वां पॉइंट महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा सोमको की होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन अथवा पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। आयोजक द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में मानदंड अनुसार न्यूनतम प्राप्त अंक अर्जित करने पर ही जो है चयन हेतु पात्र होगा, किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन अथवा पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे, और विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार चयन अथवा पदस्थापन किया जाएगा। 11वां पॉइंट भी आप देख सकते हैं, चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। 12वां पॉइंट है, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयनयुक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य
मंडल अथवा जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभाग अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा। और चयनित कार्मिकों का विद्यालयों में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा और विद्यालयवार व पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पहले प्रकाशित की जाएगी। चयन प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा योजना यहाँ पर देख सकते हैं। एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और समस्त पदों के लिए यहाँ पर अधिकतम अंक 100 अंक है। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की रहेगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 अंक रहेंगे। जैसा कि साथियों आपको विदित होगा 2023 में जिस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई है सेम उसी प्रकार से है। प्रश्नों की संख्या भी आप देख सकते हैं, समस्त प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें काटे जाएंगे। परीक्षा केंद्र आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पद स्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही ली जाएगी और जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी। और पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, प्राचार्य पद है तो अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के 70 प्रश्न इसमें होंगे। नेतृत्व और प्रशासन से संबंधित 15 प्रश्न इसमें रहेंगे। विभागीय योजनाओं से संबंधित 15 प्रश्न इसमें रहेंगे और शेष समस्त पदों हेतु अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर पर 80 प्रश्न इसमें और विभागीय योजनाओं के 20 प्रश्न। साथियों यदि आप पुराने यहाँ पर कार्मिक है तो आपको विदित होगा गई बार जो 2023 में इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी आपको जो है विज्ञप्ति से लेकर के चयन प्रक्रिया और सभी प्रश्न इत्यादि जो है एग्जाम संबंधित आपको उपलब्ध करवाए गए थे इस चैनल के माध्यम से। इस प्रकार आप देख सकते हैं अन्य निर्देश भी यहाँ पर है और आवेदित पदों पर चयन के बाद कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो पदस्थ सेवा के प्रदर्शन के पुनर्वलोकन के बाद निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जानी होगी और यदि आपका प्रदर्शन संबंधित विषय के अनुसार सही रहता है तो यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी। और नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अधिक पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण किए निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। ये भी आप देख सकते हैं और भी पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो यह आज की बड़ी अपडेट इस समय की देख सकते हैं आप। तो साथियों ये थी MGGS विज्ञप्ति, टीचर विज्ञप्ति 2024-25। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।